अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, गति प्रत्यक्षण कितने प्रकार के होते हैं और वास्तविक गति की व्याख्या मनोवैज्ञानिकों द्वारा किस प्रकार की गई है, इसका आंसर देना है। तो आइए और देखते हैं, सबसे पहले गति प्रत्यक्षण कितने प्रकार के होते हैं। मानव प्राणी एवं उच्चतर पशु दो तरह के गति का प्रत्यक्षण करते हैं, पहला है वास्तविक गति और दूसरा है आभासी गति। मनोवैज्ञानिकों ने इन दोनों तरह के प्रत्यक्षण के संबंध में अलग अलग प्रयोग किए हैं तथा अलग अलग विचार दिए। आइए और सबसे पहले हम वास्तविक गति के बारे में जानते हैं। जब वातावरण में वस्तु में वास्तविक गति होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पक्षी पटल पर बनने वाले उन वस्तुओं का प्रतिबिंब में भी वास्तविक गति उत्पन्न हो जाता है, तो इस तरह की परिस्थिति में हमें जिस गति का प्रत्यक्षण होता है उसे हम वास्तविक गति कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लिया जाए, यदि कोई व्यक्ति अपने कमरे में बैठकर बाहर के पेड़ पर देख रहा है, इतने में एक पक्षी उड़ते हुए उसकी दृष्टि से गुजरता है। स्वभावतः उड़ता हुआ पक्षी का जो प्रतिबिंब पक्षी पटल पर पड़ा उसमें वास्तविक गति उत्पन्न हुई, जिससे हमें उड़ते हुए पक्षी का ज्ञान हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि जिधर जिधर पक्षी उड़ रहा है उधर उधर व्यक्ति अपना सिर घुमा रहा है या अपनी आँख घुमा रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी उसके अक्षी पटल पर बनने वाले प्रतिबिंब में गति उत्पन्न हो रहा है। इतना ही नहीं, पृष्ठभूमि का यानी बैकग्राउंड का जो प्रतिबिंब अक्षी पटल पर पड़ रहा है उसमें भी गति उत्पन्न हो रहा है। इन दोनों ऊपर के दोनों उदाहरणों में व्यक्ति को गति का प्रत्यक्षण इसलिए हो रहा है क्योंकि वस्तु यानी पक्षी से बनने वाले अक्षी पटल या बिंब में भी परिवर्तन हो रहा है। इस तरह के गति के प्रत्यक्षण को वास्तविक गति प्रत्यक्षण कहा गया। वास्तविक गति प्रत्यक्षण की व्याख्या निम्नांकित दो तंत्रों द्वारा ग्रिगोरी ने किया है, पहला है प्रतिबिंब अक्षी पटल गति और दूसरा है आँख सिर अक्षी पटल आँख सिर गति तंत्र। आइए और प्रतिबिंब अक्षी पटल गति तंत्र को देखते हैं। इस तंत्र के अनुसार व्यक्ति के उद्दीपक एवं वस्तुओं की गति का प्रत्यक्षण उस समय होता है जब वो वस्तु में वास्तविक गति होने से उसके अक्षी पटल में उत्पन्न प्रतिबिंब में भी वास्तविक गति होती है। परंतु आँख स्थिर होता है, जैसे ऊपर के उदाहरण में व्यक्ति पेड़ पर देख रहा था उसका आँख स्थिर था, परंतु जब एक उड़ते हुए पक्षी का उसके दृश्य से गुजरने के कारण उसके अक्षी पटल पर बनने वाले प्रतिबिंब में गति उत्पन्न हुई, फलतः व्यक्ति उड़ते हुए पक्षी यानी वस्तु की गति का प्रत्यक्षण किया। ग्रिगोरी के अनुसार प्रतिबिंब अक्षी पटल गति तंत्र व्याख्या में मनुष्य की कुछ गति संसूचक कोशिकाएं होती हैं जिन्हें उत्तेजित होने के लिए व्यक्ति उद्दीपक में गति का अनुभव करता है। जब लक्ष्य वस्तु यानी बाई वृत्त की ओर जाता है तो आँख स्थिर रहता है, उसका अक्षी पटल बनने वाला प्रतिबिंब दाई से बाई ओर घूमता है। इस तरह अक्षी पटल गति को मस्तिष्क का गति सूचक कोशिकाओं द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। अतः इस तंत्र के अनुसार गति का प्रत्यक्षण अक्षिपटलीय प्रतिबिंब में गति होने के फलस्वरूप मस्तिष्क के दृष्टि क्षेत्र के गति सूचकांक कोशिकाओं के उत्तेजित होने के कारण होता है। आँख सिर गति तंत्र, यह तंत्र ऊपर वर्णन किए गए तंत्र से विपरीत है। इस तंत्र के अनुसार जब कोई लक्ष्य वस्तु की एक दिशा से दूसरी दिशा में घूमती है और उसके साथ ही साथ व्यक्ति भी अपना आँख और सिर उसी के अनुसार घुमाते जाता है, तो इसके परिणाम स्वरूप उस गतिशील लक्ष्य वस्तु से अक्षी पटल पर बना प्रतिबिंब स्थिर रहता है, परंतु फिर भी हमें गति का प्रत्यक्षण होता है। जब वस्तु दाईं ओर चला जाता है तो व्यक्ति अपना आँख सिर बाईं ओर से दाईं ओर कर लेता है, इसके परिणाम स्वरूप उस गतिशील वस्तु का प्रतिबिंब अक्षी पटल पर एक जगह स्थिर रह जाता है। इस तरह से आँख की गति को मनोवैज्ञानिकों ने मृदु
अनुसरण गति यानी स्मूथ परसुइट मूवमेंट कहा।